तो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर एंड रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर व्हेन प्राइस रिमेंस कांस्टेंट। इस वाले पार्ट में हम लोगों को देखना है कि रिलेशनशिप बिटवीन एआर एंड एमआर एंड सेकंड रिलेशनशिप रिलेशनशिप बिटवीन टीआर एंड एमआर व्हेन प्राइस फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। ठीक है, ये केस होता है आपका, ये केस है आपका इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन का। इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट जो होता है उसका ये केस है। उसमें क्या होता है कि जब हमें आउटपुट बढ़ाना होता है तो हमें प्राइस को डिक्रीज करना होता है। इसका पूरा विल एक्सप्लेनेशन मैंने पहले इसके प्रीवियस पार्ट में दे रखा है। इसको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई हैव टेकन अ हाइपोथेटिकल शेड्यूल। एक हाइपोथेटिकल शेड्यूल हमने यहाँ ले लिया है और उसके बेसिस पे हमने यहाँ कर्व को बना लिया है। अब ये पहला पार्ट है, इसके बाद इसका एक दूसरा पार्ट होगा, इसी में दूसरा होगा जिसमें टी आर और एम आर का देखेंगे। यहाँ केवल हम ए आर और एम आर का देख रहे हैं। यहाँ पर मैं इसको सर्कल भी कर दे रहा हूँ, ए आर और एम आर का देख रहे हैं। अब यहाँ पे शेड्यूल देखिए आप, यहाँ पे प्राइस आपको दिख रहा होगा, प्राइस फॉल कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यूअसली प्राइस क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। तो सिंपल एकदम टेबल मैंने ले लिया यहाँ पे। शेड्यूल जो है इसमें जो नंबर्स है वो बिल्कुल सिंपल लिया है। जैसे पहला नंबर आप देख रहे हैं कि ए आर में क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा ए आर एकदम सिक्वेंसली डिक्रीज कर रहा है। जैसे 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, इसको याद करने में आसान होता है। स्टूडेंट्स के लिए बेटर है कि याद करने में बहुत ही आसान है कि ये शेड्यूल बिल्कुल आसानी से याद हो जाएगा। 10, 9, 8, 7 आपने प्राइस दे लिया। प्राइस ही ए आर होता है, एज आपको पता ही होगा। पिछले भी चीजों में हमने डिस्कस किया है कि प्राइस ए आर ही होता है। टी आर निकालने का तरीका हमने डिस्कस किया ही था कि 1 × 10 कर देंगे तो 10 आ गया, 2 × 9 कर देंगे तो 18, 3 × 8 = 24। ठीक है, जब एक बार टी आर आ जाता है तो हमें क्या करना होगा, फिर हमें करना होता है एम आर निकालना होता है। एम आर भी बहुत सिंपल है, उसमें बहुत दिक्कत नहीं है। आप जो पहला रहेगा डिजिट देखिए तीनों का सेम है, ये हमेशा याद रखना होगा कि तीनों का डिजिट अगर यहाँ 1 है तो तीनों का डिजिट यहाँ सेम होगा। और यूनिट सोल्ड रेवेन्यू में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से काम करता है। किसी 1 आ 71 में नहीं करता है कि यहाँ पे अगर 0 हो तो किसी में चेंज हो जाता है, बट रेवेन्यू में कॉन्सेप्ट है कि आपका पहला डिजिट अगर 1 से स्टार्ट है तो पहला तीनों सेम ही होगा। उसके बाद अब एम आर निकालना है तो टी आर को नीचे से ऊपर माइनस करते जाए, सिंपल माइनस करते जाए, देखिए आपका आंसर आता जाएगा। पहला वाला कैसे माइनस किया है, 18 - 10, दूसरा आ गया 8। पहला तो 10 का 10 हो गया, तीनों बराबर। तो तीसरा जो है आपका 24 - 18 आ गया 6, उसी तरीके से 28 - 24 और सो ऑन। ये है, एक जगह पे जाने के बाद आपका टी आर यहाँ पे मैक्सिमम है। ये चीज आपको नोटिस करना होगा कि जहां पे टी आर मैक्सिमम है वहां पे एम आर जीरो है। जहाँ पे टोटल रेवेन्यू सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होता है वहाँ एम आर आपका जीरो होता है। उससे ज्यादा अगर आप सेल करने की कोशिश करते हैं तो टोटल रेवेन्यू आपका कम होने लग रहा है, 80, 28 पे आ गया, जिसकी वजह से एम आर आपका नेगेटिव में आ जाता है। इसी को जब हम प्लॉट करते हैं कर्व पे तो ये कुछ इस तरीके से कर्व दिखता है। ये मार्किंग मैंने कर दी है। यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मार्किंग मैंने बताई है, आप कर्व में देख रहे हैं यहाँ एरो है। इसके प्रीवियस वाले जब हम लोग देखे थे जो वीडियो में, वहां पे ये एरो नीचे की तरफ नहीं था, मतलब वहां पे इस तरीके से था एरो, ये इस तरीके से था। तो यहाँ पे एरो केवल ऊपर था और ये आगे था। जब भी कभी कोई कर्व अपने वाई एक्सिस में जाता है से वाई डैश एक्सिस में जाएगा तो उस केस में हमको एरो तभी नीचे दिखाना होता है। स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं ज्यादातर केसेस में, आप यार दोनों केस में इसको नीचे ही दिखा देते हैं। अगर ये नहीं भी है ऐसे डायग्राम में तो भी आप इसको नीचे दिखा दोगे, ये सही नहीं है। नीचे अगर है वाई डैश पे आप गए हैं तो आप दिखाएंगे। ठीक है, चलिए। उसके बाद यहाँ पे आपका ये शेप दिख ही रहा है, ए आर का शेप इसी बेसिस पे हमने बना दिया। आप चाहें तो विथ मार्किंग प्रॉपर मार्किंग के हिसाब से बना सकते हैं, ये मैंने रफ बना दिया है। और एम आर आपका ये है, एम आर आपको दिख रहा होगा कि एक पोजीशन पे यहाँ पे किस पोजीशन पे एम आर क्या होगा, तो एम आर इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद एम आर इस वाले पोजीशन में एम आर क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब वो जो -2 वाला ये हिस्सा है वो यहाँ पे है, -2 वाला यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, और बाकी आपका एम आर 0 है यहाँ पे, वो तो एज यूजल आपको पता चल ही रहा होगा। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ एक्सप्लेनेशन भी हैं इसके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जिसको आपको याद रखना होगा अगर एग्जाम में ज्यादातर केसेस में एक्सप्लेनेशन पूछता है। पहला है कि ए आर फॉल्स विथ राइज इन आउटपुट। ए आर फॉल, देखिए ए आर फॉल कर रहा है, जैसे जैसे आउटपुट आपका बढ़ रहा है, आउटपुट आपका 1, 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता जा रहा है, ए आर आपका या प्राइस फॉल करता जा रहा है, पहला। दूसरा, एम आर इज लेस देन ए आर, तो आपको दिख ही रहा है डायग्राम में बिल्कुल साफ साफ कि ए आर जो कर्व ऊपर होता है वो इकोनॉमिक्स में बड़ा कहलाता है, उसके नीचे वाला हमेशा उससे छोटा होता है। मार्क आप
ऐसे भी देख सकते हैं शेड्यूल में से कि पहले पे तो मान लीजिए सब बराबर है, इसीलिए यहाँ कर्व दोनों मिला हुआ है, एक ही जगह स्टार्ट हुआ है। दूसरे पे क्या है, ये 9 है यार, ये 8 है, उससे कम है ना यार, MR जो है यार से कम है। तीसरे पे देखिए 8 है, 6 है, यहाँ भी कम है, चौथे पे भी। तो इसीलिए ये आपका स्टेटमेंट है कि MR जो है वो AR से हमेशा कम रहता है। तीसरा आपका एक्सप्लेनेशन है MR एंड AR स्लोप्स डाउनवर्ड, ये तो दिख ही रहा है, दोनों कर्व जो है स्लोप्स डाउनवर्ड है और ये नेगेटिवली स्लोप्ड है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वहां पॉजिटिवली स्लोप था। कौन सा कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है? TR, ठीक है, TR कर्व इस तरीके से बनता है, इसलिए ये पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, बाकी जो कर्व होंगे वो नेगेटिवली स्लोप्ड। अब उसके बाद नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है कि MR फॉल्स एट अ रेट विच इज ट्वाइस द रेट ऑफ फॉलिंग AR। MR का जो गिरने का रेट होता है वो AR से डबल लगभग होता है। और आखिरी आपका MR कर्व इज स्टीपर देन AR। MR देखिए स्टीपर है, ये स्टीपर का मतलब ये होता है कि कोई कर्व स्टीपर ज्यादा तब होता है जब वो ज्यादा इस तरीके से खड़ा हो, ऐसे हो जाए, और स्टीपर इसको बनाना होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, और स्टीपर बनाना होगा तो ये एकदम ऐसे हो जाएगा। तो कोई भी कर्व स्टीपर तब होता है जब बहुत ज्यादा वो क्लोज होने लगता है किससे, अपने वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है, बहुत ज्यादा उधर की तरफ डिक्लाइन होने लगे। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको ध्यान रखनी है, वो ये है कि जब भी TR आपका यहाँ पे AR आपका TR मैक्सिमम होगा, वहां पे आपका जो MR है वो हमेशा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हमारा TR और MR के केस में क्या है, ठीक है। तो ये पूरा है आपका एक्सप्लेनेशन इस पूरे पार्ट का, जहां पे हमने देखा कि रिलेशनशिप बिटवीन TR MR, सॉरी AR एंड MR, व्हेन अब यहाँ MR कैन फॉल टू जीरो एंड कैन इवन बिकम नेगेटिव। देखिए MR के केस में एक एक्सप्लेनेशन और है कि MR फॉल करके जीरो और नेगेटिव दोनों होता है, बट AR ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि AR जो निकलता है वो TR से, और TR कभी भी इसमें देखिए कहीं भी हमेशा बढ़ता हुआ दिखिए, कभी जीरो नहीं होता, इसलिए उससे निकलने के लिए वो भी नहीं होता। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन AR एंड MR, रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। शेड्यूल आपका सेम है, उसी शेड्यूल पे हमने केवल यहाँ पे TR और MR को बनाया, पिछले वाले में MR और AR को बनाया था जो तो पिछले पार्ट में डिस्कस किया, अब इसमें जो है हमने देखा है TR और MR के बारे में। अब शेड्यूल आपका सेम है, एक्सप्लेनेशन पार्ट सेम है, यहाँ पे हमें कर्व देखना है बस। कर्व आपका TR का देखिए, TR इंक्रीज करता है कंटिन्यूअसली, 10, 18, 24, 28, 30, 30, फिर 28, एक समय के बाद आपका TR क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कर्व का शेप भी देखिए, जब तक TR इंक्रीज करता है तब तक कर्व का शेप ये है, जहाँ पे ये मैक्सिमम मतलब यहाँ 30 वाले पे थोड़ा सा फ्लैटर हुआ है क्योंकि 2 बार 30 है तो थोड़ा सा फ्लैटर, उसके बाद यहाँ से यहाँ जो डिक्रीज कर रहा है ये माइनस या 28 वाला पार्ट है ये, ठीक है। यहाँ से यहाँ वाला पार्ट कहाँ से, 10 से लेके टोटल आपका 30 तक का पूरा पार्ट है ये, 30 यहाँ पे है, 10 से 30 यहाँ, मैक्सिमम 30 यहाँ, फिर 28। अब MR देखिए, MR कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, यहाँ पे MR क्या हो जाता है, MR इज इक्वल टू जीरो, और उसके नीचे यहाँ पे ये MR ये नेगेटिव में, यानी -2 वाला पार्ट को ये दिखा रहा है। एक रिलेशनशिप यहाँ बिल्डअप होता है कि जहाँ पे TR मैक्सिमम होता है वहाँ MR आपका जीरो है। उसी हिसाब से अगर इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि जब MR पॉजिटिव होता है, यानी ये वाला हिस्सा, जब तक MR इस हिस्से में है, पॉजिटिव हिस्से में है, तब तक TR जो है बढ़ता रहता है, यानी ये वाला हिस्से की बात हो रही है। जब आपका TR मैक्सिमम होगा तो MR क्या होगा, जीरो। यहाँ पे देख रहे हैं ये रिलेशनशिप, जो ये लाइन है, ये लाइन दिखा रहा है रिलेशनशिप पे, TR मैक्सिमम है तो MR जीरो। और तीसरा हो जाएगा कि जब MR आपका नेगेटिव होगा, यानी इस वाले पार्ट की बात हो रही है, तब TR आपका क्या हो जाएगा, फॉल करने लग जाएगा। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जब TR मैक्सिमम होगा तो MR क्या होगा, या MR अगर जीरो है तो TR क्या होगा, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है, और इससे रिलेटेड ये सवाल आ सकते हैं कि जब MR पॉजिटिव है तो TR क्या होगा इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, या फिर ये कहा जा सकता है कि जब प्राइस गिर रही हो या प्राइस फॉल कर रही हो प्राइस इन आउटपुट से, तो वैसे केस में MR अगर नेगेटिव है तो TR क्या होगा, या TR जब गिरने लगेगा तो MR क्या होगा, जब भी TR फॉल करेगा तो MR हमेशा नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये कुछ रिलेशनशिप है जो कि ध्यान में रखने वाली चीज है, और आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं CBSE बोर्ड में, तो उसमें आपको ये हेल्प कर सकता है, ठीक
ठीक है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और बात करें तो MR 0 भी हो सकता है। MR को एक अलग रिलेशनशिप देखा जाए तो MR कैन बी 0 और MR कैन बी नेगेटिव। MR दोनों हो सकता है, लेकिन किसमें? इन केस ऑफ इम्परफेक्ट, यानी जब प्राइस फॉल कर रही हो तो MR का दो नेचर हो सकता है, MR 0 और नेगेटिव दोनों। यहाँ पे दिख भी रहा है आपको कि MR आपका 0 यहाँ पे हुआ, नेगेटिव भी हुआ। यहाँ भी आपको दिख रहा है कि MR यहाँ 0 और यहाँ नेगेटिव दोनों हुआ। लेकिन MR केवल और केवल कांस्टेंट रहेगा किस केस में? जब हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट पढ़ते हैं, यानी जब प्राइजेस कांस्टेंट होंगे तो MR भी कांस्टेंट रहेगा, और कांस्टेंट MR का शेप होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये आपका MR हो जाएगा। ठीक है, जो कि हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो के पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस वीडियो में हमने सारा कुछ ये समझ लिया कि रिलेशनशिप बिटवीन TR MR क्या है इन केस ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, और इस पूरा परफेक्ट इम्परफेक्ट में TR MR भी देख लिया और AR MR भी देख लिया।